गोरखपुर महोत्सव में स्थान बनाने के लिए मंडलायुक्त के निर्देशानुसार लगभग 60 प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं, कला अनुदेशक और कला अध्यापकों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। रविवार को बेसिक शिक्षा कार्यालय परिसर को मनमोहक और सुंदर बनाने के लिए लगभग 60 प्राथमिक विद्यालयों के सहयोग से विभिन्न विषयों पर मनमोहक कलाकृतियां बनाकर पूर्वाभ्यास किया गया। कला के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा, भ्रूण हत्या पर रोक, भारत की पहली महिला अध्यापक सावित्री भाई फूले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पृथ्वी की सुरक्षा, स्वस्थ जीवन सहित विभिन्न विषयों पर कलाकारों ने सामाजिक संदेश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कला अनुदेशक, कला अध्यापक और बेसिक शिक्षा अधिकारी बी एन सिंह ने कहा, तो थोड़ी आराम से जैसे लोग दिमाग को बजे कपड़े तो उसको मिटा दो, जो कुछ ऊपर अरे दे दीजिए, हम नहीं खेलेंगे, दे दीजिए। सर, ये गोरखपुर महोत्सव से शुरू होने से पहले बीएसए सर ने कुछ नया नवाचार करने के लिए सोचा, तो उन्होंने उस नवाचार के अंतर्गत सभी शिक्षिकाओं और बच्चों से पेंटिंग कराने के बारे में सोचा। उसके बाद उन्होंने ये न्यूज़ सभी को बताई कि वो एक नवाचार कराने जा रहे हैं, जिसमें वो वॉल पेंटिंग कराना चाहते हैं बीएसए ऑफिस के अंदर और बाहर की जितनी दीवारें हैं। तो उसमें गोरखपुर महोत्सव से जुड़ी जितनी भी हम अच्छे से अच्छी पिक्चर बना सकते हैं, अपने विषयों से जुड़ी, स्वच्छता से जुड़ी, बालिका के अधिकार से जुड़ी चीज़ें और विज्ञान से जुड़ी, योग से जुड़ी, इन हर चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे दीवारों पे पेंटिंग्स दिखाई देंगी। और ये पेंटिंग्स बच्चे और सभी शिक्षिकाएं जो कि पेंटिंग में अच्छी हैं, कला अनुदेशक के ये इस काम कर रहे हैं। कहाँ से? सर, मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ, खजनी ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। नाम बताओ। समन वहीद। ये कार्यक्रम गोरखपुर महोत्सव शुरू होने से पहले एक आयोजन माननीय बीएसए भूपेंद्र सिंह के द्वारा सुनिश्चित किया गया है, जिसमें अनुदेशक, अध्यापक और इससे रिलेटेड जो लोग भी हैं अपने कला का प्रदर्शन करते हुए इस दीवार पे, जो ये दीवार अब तक टूटी फूटी गंदी पड़ी थी, उससे इसका एक तो शुद्धिकरण और सफाई हुआ, साथ साथ सारे बच्चों और अध्यापक अनुदेशक के साथ ये जो पेंटिंग की जा रही है, दीवार तो अच्छी लग भी रही है, साथ साथ कम से कम विद्यालय का, बच्चों का निखार और जो बच्चों द्वारा ये सारी चीज़ें बन के आ रही हैं, कल सारे बेसिक शिक्षा परिषद से रिलेटेड और शिक्षा विभाग से रिलेटेड सारे अधिकारियों का उपस्थिति हुआ, जिसको लेकर माननीय कमिश्नर साहब ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई 5 बजे बीएसए साहब के नेतृत्व में, और सारे लोग वहाँ गए और उन्होंने पूछा कि अगर बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पर कार्य हो सकता है तो और विभाग के दीवार और उस पर क्यों नहीं हो सकता है। तो हमारे बीएसए साहब ने जो ये उत्साहपूर्वक और हम लोगों को उत्साह बढ़ाते हुए काम करवाया है, निश्चित तौर पे इसका बेनिफिट इस गोरखपुर महोत्सव में भी दिखेगा और हम लोगों का एक रिहर्सल भी साथ साथ हो रहा है,
और ये जितनी सारी चीज़ें हम लोग अपने संसाधन से, खास करके मैं नृपेंद्र सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिक्टौर खोराबार का अध्यापक हूँ, और ये जो भी जितने भी इस पे खर्चे आए हैं अमाउंट नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत उससे करके और तैयार करके मैं दिया हूँ, जिसपे आज हमारे अध्यापक, अनुदेशक और बच्चे अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में अगर यही ऐसे ही सारे विभागों और सारे लोग करते रहे तो गोरखपुर निश्चित तौर पे सुंदरीकरण के साथ साथ स्वच्छ होने में कहीं कोई कोताही नहीं बरतेगा। कितने विद्यालय हमारे टोटल कितने विद्यालय के टोटल तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुझे लगता है कि 50-52 विद्यालय के बच्चे, टीचर, 20 कस्तूरबा के और 20 परिषदी बच्चे हैं जो अपने द्वारा ये सारी अपने संसाधन पे ये सब कर रहे हैं। और ये सारा श्रेय मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह को देना चाहता हूँ कि जिसके लिए हम लोगों को प्रेरित किए और आज जो आपके सामने दिख रहा है, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि ये सबको हर विभाग में होना चाहिए और सारे सम्मानित अधिकारियों को ये कार्य कराने में कहीं से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सर, ये गोरखपुर महोत्सव के थ्रू जो है ये कार्यक्रम पेंटिंग का चल रहा है और बीएससी महोदय के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया है, और मेरा नाम डॉक्टर कमलेश गौड़ है, और इसके पहले स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग यहाँ के अलावा भी विश्वविद्यालय में भी कार्य हम लोगों ने स्वच्छ भारत से संबंधित ढेरों सारे संबंधित कार्य हम लोगों ने किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी धरती को पर्यावरण मुक्त किया जाए, जिससे कि इतनी ढेर सारी बीमारियां बच्चों में फैल रही हैं, बुजुर्गों में फैल रही हैं, अभी जागरूकता कम है। और ऐसे ही हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये पूरी धरती हमारी स्वच्छ हो जाएगी, जिससे बीमारियां स्वयं बखुद लड़ करके भागने का प्रयास करेंगी। मैं अनुदेशक दीपाली त्रिपाठी खजनी ब्लॉक से हूँ। यहाँ पे गोरखपुर महोत्सव के लिए, मतलब यहाँ पे एक तरीके से कॉम्पिटिशन करके देखा जा रहा है, और जिसका बेहतर होगा उसका गोरखपुर महोत्सव में सिलेक्शन किया जाएगा। किस तरह की पेंटिंग आपकी है और क्या उसका उद्देश्य? हमारा योगा पे आधारित है कि योग करें, निरोग रहें, तो हम लोग को थीम ये सिलेक्ट हुआ था योगा वाला, तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम तृप्ति श्रीवास्तव है, और ये सर गोरखपुर महोत्सव के तहत जितने भी कला प्रतियोगिताएं हो रही हैं उनसे संबंधित जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं, कुछ कला अध्यापक साथ में कला अनुदेशक भी हैं और कस्तूरबा के टीचर भी हैं, जिनके सहयोग से और बच्चों के सहयोग से ये बेसिक शिक्षा परिषद की कला विद्या भवन की विद्यालय को रंगा जा रहा है सर। और इसमें जो भी बच्चे अच्छा बनाएंगे उनको बीएससी सर हमारे पुरस्कृत भी करेंगे। हाँ सर, इसी के तहत गोरखपुर महोत्सव के तहत ये सर विद्या भवन का प्रांगण सजाने की कार्यक्रम किया जा रहा है सर। क्या थीम है आपके? सर, मेरा थीम सर शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़े सब बढ़े पे है, जिसमें आपने देखा होगा पेंसिल के साथ एक लॉ जिससे के तहत हमारी विद्या भवन प्रकाशित हो रही है, और साथ में पुस्तक है उस पर वर्णमाला का भी कार्यक्रम सर जारी है लिखने का। दरअसल ये हमारे बेसिक के बच्चे हैं और उनके हमारे टीचर्स बेसिक के ही हैं और अनुदेशक भी हैं। ये गोरखपुर महोत्सव जो हुआ है तो उसमें हमारे बच्चों को प्रतिभाग करना है, तो उसके पहले का एक पूर्वाभ्यास था कि क्यों ना हम अपने परिसर में ही इसका एक कंपटीशन करें और बच्चे अपनी कलाओं का प्रदर्शन करें। और इसमें हमारे 1 से लेकर 8 तक के बच्चे प्रतिभागी हैं, कस्तूरबा की बच्चियां हैं, कस्तूरबा के टीचर हैं, अनुदेशक हैं, और कला से रुचि रखने वाले हमारे टीचर्स भी हैं, और उन्हीं के द्वारा ये कलाकृतियां जो हैं बनाई गई, और ये काफ़ी पसंद भी की गई हैं। अभी कल कमिश्नर साहब की बैठक थी जिसमें उनके द्वारा, माननीय कमिश्नर जी द्वारा, DM साहब द्वारा भी काफ़ी वो मिला, बच्चों को प्रोत्साहन राशि मिला, और इसको कंपटीशन में कमिश्नर साहब ने कहा कि इसको हम अपने गोरखपुर महोत्सव के कंपटीशन में भी रखेंगे और बच्चों को पुरस्कार भी देंगे। और हमारी भी योजना है कि हम बच्चों को पुरस्कृत करें, जिससे कि हमारे जो दूर दराज के गांव के बच्चे हैं उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनका निखार वो आएँ, और उस उद्देश्य से ये किया भी गया है। और जिससे आप देख रहे हैं कि आज हमारा कैंपस कितना सुंदर लग रहा है और बच्चे दूर दराज के आए हुए हैं हमारे ही परिषद के ही। कितने विद्यालयों के हैं? लगभग 60 विद्यालयों के बच्चे हैं, और बाहर भीतर चारों तरफ कैंपस को रंगीन बनाने में, बिल्कुल मोहक बनाने में लगे हुए हैं।